वापस लौटने की तैयारी में है, लेकिन बोलने की स्थिति में कोई छात्र नजर नहीं आ रहा। और इसी हादसे के बाद से नेताओं के मंडी जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे पहले पहुंचे मुख्यमंत्री, फिर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हादसे पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। मैं जितने भी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती हूं और मृतकों को श्रद्धांजलि देती हूं। मुझसे कहा गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कुछ लोगों को इस विषय में सस्पेंड भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस पूरी घटना पर अपनी टिप्पणी दे पाऊंगी, लेकिन अभी हमारी चिंता ये है कि जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द उनके घर तक, उनके होम स्टेट तक हम भेजने में अपनी ओर से जितनी सहायता दे सकें वो सहायता देने की हम तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं कुल्लू मनाली की जो सड़क है बहुत बिजी रोड है, हजारों बसें रोज अप एंड डाउन जाती हैं। आज तक कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, ये पहली बार है ये हुआ है। और शायद जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे उनके साथ जो टीचर्स थे उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। मगर यहाँ मैं किसी ब्लेम किस पर ब्लेम डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये वार्निंग सिस्टम जो चालू था सर, लेकिन लोकल लोगों ने मना किया, वोटर नहीं बजाया गया कुछ वहाँ पर। ज्यादातर यही कह रहे हैं कि वोटर बजा था मगर वहाँ पर सुनाई दिया या नहीं अलग बात है। वोटर बजा था लोगों ने और लोकल लोगों ने भी उनको कहा कि भाई आप दरिया में मत जाइए।